गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे कि 1960s के डिकेड में कांग्रेस के सामने क्या क्या चैलेंजेस थे, इनके रिगार्डिंग हम डिस्कस करते हुए आ रहे थे। और आज हम बात कर रहे थे कि कांग्रेस के सामने जो सबसे बड़ा चैलेंज था उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। आपको ध्यान होगा कि कल हम बात कर रहे थे स्प्लिट इन द कांग्रेस, कि कांग्रेस में स्प्लिट, कांग्रेस का बंटवारा, ये कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा चैलेंज था और इसकी वजह से ही कांग्रेस का स्प्लिट हो गया। और उसमें हम रीजंस पढ़ रहे थे कि कांग्रेस के स्प्लिट के रीजंस क्या थे, जिसमें हमने एक टॉपिक पढ़ा था कि कांग्रेस इंदिरा वर्सेस सिंडिकेट, कि सिंडिकेट और इंदिरा के बीच में आपस में डिस्प्यूट था। सिंडिकेट, आपको ध्यान होगा कि सिंडिकेट जो कांग्रेस की पार्टी के पावरफुल लीडर्स थे उनके ग्रुप को सिंडिकेट कहा जाता था, और वो जनरली इंदिरा गांधी को अपने कंट्रोल में रखना चाहते थे, जबकि इंदिरा गांधी उनके कंट्रोल से बाहर होना चाहती थी। और इसी चीज़ को लेकर उनके बीच में डिस्प्यूट स्टार्ट हो गया। तो एक तो ये रीज़न बना कांग्रेस की स्प्लिट होने का, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग हमने डिस्कस कर लिया था कि इंदिरा वर्सेज द सिंडिकेट, ठीक है। तो ये सभी हमने पढ़ लिया था कि जो इंदिरा गांधी की पॉलिसीज बनाई गई, जनरली उन लोगों ने अप्रूव तो किया लेकिन वो लोग उससे खुश नहीं थे। आपको ध्यान होगा कि 10 पॉइंट प्रोग्राम चलाया था इंदिरा गांधी ने, जिसमें कि कुछ उनकी पॉलिसीज़ यहाँ पर दिखाई गई हैं कि नेशनलाइजेशन ऑफ जनरल इंश्योरेंस, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक, सीलिंग ऑफ ऑन अर्बन प्रॉपर्टी इनकम, इसके अलावा लैंड रिफॉर्म्स, ये कुछ उन्होंने पॉलिसीज चलाई थी उस समय। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस 1969, कि 1969 में प्रेसिडेंट के इलेक्शंस हुए और वो सबसे मेजर कारण रहा कांग्रेस के स्प्लिट का, कि जैसे ही ये प्रेसिडेंट इलेक्शंस ख़त्म हुए और उसके जस्ट बाद ही कांग्रेस दो हिस्सों में बट गई थी, ठीक है। अब इस पॉइंट को पढ़ने से पहले जहाँ पर जनरली वीवी ग्री के रिगार्डिंग दिखाया गया है कि वीवी ग्री जो कि आप कह सकते हो कि कांग्रेस के स्प्लिट का एक मेन कारण रहे थे, ठीक है, उनके बारे में देखिए। वीवी ग्री प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम 1969 to 74, कि देश के प्रधानमंत्री वो रहे थे, राष्ट्रपति, कांग्रेस वर्कर एंड लेबर लीडर फ्रॉम आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश से लेबर लीडर थे, इंडियन हाई कमिश्नर टू सीलोन, श्रीलंका में हाई कमिश्नर रहे इंडिया की तरफ से, लेबर मिनिस्टर इन यूनियन कैबिनेट, यूनियन कैबिनेट में लेबर मिनिस्टर थे, गवर्नर ऑफ यूपी, केरला, मैसूर, ये रह चुके हैं। इसके अलावा वाइस प्रेसिडेंट भी वो रहे थे 67 से 69 तक, एंड एक्टिंग प्रेसिडेंट आफ्टर द डेथ ऑफ प्रेसिडेंट जाकिर हुसैन। और जाकिर हुसैन की डेथ के बाद इन्होंने एज ए प्रेसिडेंट के रूप में भी कुछ समय तक काम किया था, ठीक है। रिजाइंड एंड कंटेस्ट इलेक्शन, प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस, की जाकिर हुसैन की डेथ हो गई, इनको टेम्परेरी बनाया गया, फिर इन्होंने अपनी उस पोस्ट से रिज़ाइन कर प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ा और इंदिरा गांधी ने इन्हें सपोर्ट किया, और जिसकी वजह से कि ये उस समय प्रेसिडेंट बने थे, ठीक है। तो ये वीवी ग्री के रिगार्डिंग था। अब बात करते हैं प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस की। देखिए, द फैक्शनल राइवलरी बिटवीन द सिंडिकेट एंड इंदिरा गांधी केम इन टू ओपन इन 1969। देखो, इंदिरा और सिंडिकेट के बीच में डिस्प्यूट तो चल रहे थे, लेकिन पहले तो ये पार्टी के अंदर ही थे, लेकिन 1969 में ये ओपनली आ गए, यानी कि सबके सामने आ गए कि भाई इंदिरा और सिंडिकेट में डिस्प्यूट है। फॉलोइंग प्रेजिडेंट जाकिर हुसैन डेथ, कि जो उस समय हमारे प्रेजिडेंट थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, उनकी डेथ हो गई थी, द पोस्ट ऑफ प्रेजिडेंट ऑफ द इंडिया फेल वैकेंट दैट ईयर, और उस समय इंडियन प्रेजिडेंट की जो पोस्ट थी वो खाली हो गई। डिस्पाइट मिसिस गांधी रिजर्वेशन, द सिंडिकेट मैनेज टू नॉमिनेट हर लॉन्ग टाइम अपोनेंट एंड देन स्पीकर ऑफ द लोकसभा एन संजीवा रेड्डी एज द ऑफिशियल कांग्रेस कैंडिडेट फॉर द एंश्योरिंग प्रेजिडेंट इलेक्शन। कि अब इंदिरा गांधी के और उसके बीच में तो चल रही थी आपस में डिस्प्यूट, उस समय जो सिंडिकेट थी उन्होंने, उस समय जो लोकसभा स्पीकर थे एन संजीवा रेड्डी, उनको कांग्रेस की तरफ से प्रेसिडेंट का कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया कि भाई जो अब प्रेसिडेंट की डेथ हो चुकी है, नए इलेक्शन प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शंस होंगे, तो कांग्रेस की तरफ से जो कैंडिडेट होगा वो कौन होगा,
एन संजीवा रेड्डी। और एन संजीवा रेड्डी को चुनने वाले कौन थे प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए? वो थे सिंडिकेट के मेंबर्स। ठीक है, इंदिरा गांधी रिटेलिएटेड बाय एनकरेजिंग द देन वाइस प्रेसिडेंट वीवी गिरी। अब इंदिरा गांधी ने क्या किया कि इंदिरा गांधी देखा भाई सिंडिकेट ने तो अपना एक कैंडिडेट खड़ा कर दिया, तो इंदिरा गांधी ने इसके जवाब में क्या किया कि उस समय जो वाइस प्रेसिडेंट थे वीवी गिरी उनको मोटिवेट किया और उनसे कहा कि भाई आप वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट से रिजाइन कर कर इलेक्शन प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए इलेक्शन लड़ो और भाई मैं और मेरे जो भी सपोर्टर्स हैं वो आपको सपोर्ट करेंगे। और वीवी गिरी ने वो कर रिजाइन कर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के रूप में अपना नॉमिनेशन फाइल कर दिया। ठीक है, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ही खड़े हुए थे। सी ऑल्सो अनाउंस सेवरल बिग एंड पॉपुलर पॉलिसीज मेक मेजर्स लाइक द नेशनलाइजेशन ऑफ 14 लीडिंग प्राइवेट बैंक्स एंड द अबोलिशन ऑफ प्रिवी पर्स और द स्पेशल प्रिविलेजेस गिवन टू फॉर्मर प्रिंसेस की। और उसी समय इंदिरा गांधी ने काफ़ी जो बड़ी पॉलिसीज थी उनको अनाउंस कर दिया जिससे कि लोग जो हैं और कैंडिडेट जो उसके मेंबर्स है पार्टी के उन लोग हैं वो उसे सपोर्ट करें, जैसे कि उन्होंने 14 उस समय प्राइवेट बैंक्स थे उनका नेशनलाइजेशन करना, इसके अलावा प्रीवी पर्स को ख़त्म करना, प्रीवी पर्स के रिगार्डिंग आगे पढ़ेंगे, प्रीवी पर्स को ख़त्म करना जो कि पुराने जो पहले प्रिंसेस थे ना उनको दिया गया था, अधिकार दिए गए थे उनको कुछ पावर्स, तो उनकी पावर्स को ख़त्म करना, ये उस समय उन्होंने कुछ वो किया था। मोरारजी देसाई वाज द डेप्टी प्राइम मिनिस्टर एंड द फाइनेंस मिनिस्टर। और मोरारजी देसाई उस समय देश के उप प्रधानमंत्री और इसके साथ साथ फाइनेंस मिनिस्टर भी थे। ठीक है, अब उन्होंने इस चीज़ का अपोज किया प्रीवी पर्स के रिगार्डिंग। देखिए, ऑन बोथ द अबव इशूज सीरियस डिफरेंसेज एमर्ज बिटवीन हिम एंड द प्राइम मिनिस्टर रिजल्टिंग इन देसाई लिविंग द गवर्नमेंट। अब उन्होंने जैसे कि एक तो प्रीवी पर्स को हटाने के रिगार्डिंग, एक बैंकों का नेशनलाइजेशन करने के रिगार्डिंग, इंदिरा गांधी और जो मोरारजी देसाई थे उनके बीच में डिस्प्यूट हुआ। ठीक है, डिफरेंसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया और लास्टली क्या हुआ, मोरारजी देसाई को गवर्नमेंट से बाहर होना पड़ा कि यानी कि उन्होंने रिज़ाइन कर दिया अपने पोस्ट से। ठीक है, तो इंदिरा गांधी ने उस समय ये पॉलिसीज चलाई और किस लिए, सिर्फ इसलिए कि अपने सपोर्ट के लिए और वीवी गिरी को अपना प्रेसिडेंट का इलेक्शन जिताने के लिए। कांग्रेस हैड सीन डिफरेंसेस ऑफ दिस काइंड इन द पास्ट। कांग्रेस में पहले भी इस तरह के डिफरेंसेस हमने देखे हैं, बट दिस टाइम बोथ द पार्टीज वांटेड ए शो डाउन विच टुक प्लेस ड्यूरिंग द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। लेकिन इस समय दोनों ही जो ग्रुप्स थे वो अपनी अपनी पावर दिखाना चाहते थे और प्रेसिडेंट इलेक्शन थे, तो प्रेसिडेंट इलेक्शन में उन्होंने कहा कि भाई हम अपनी पावर को शो करेंगे। द देन कांग्रेस प्रेसिडेंट एस निजलिंगप्पा इशूड ए व्हिप आस्किंग ऑल द कांग्रेस एमपीज एंड एमएलएज टू वोट इन फेवर ऑफ संजीवा रेड्डी। अब देखो, उस समय कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन थे? उस समय कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे एस निजलिंगप्पा। उन्होंने एक व्हिप इशू किया, व्हिप का मतलब कि अपनी पार्टी के जितने भी एमपी एमएलए थे उनके रिगार्डिंग कि भाई उन सभी को संजीवा रेड्डी जो है जो सिंडिकेट ने जिनको अपना प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए नॉमिनेट किया है उनको सभी वोट करेंगे, द ऑफिशियल कैंडिडेट जो कि पार्टी के ऑफिशियल कैंडिडेट थे। सपोर्टर्स ऑफ इंदिरा गांधी रिक्वेस्टिंग ए स्पेशल मीटिंग ऑन द AICC। और इंदिरा गांधी के सपोर्टर्स थे, उन्होंने एक स्पेशल मीटिंग अटेंड की ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की। ठीक है, बट दिस वॉज रिफ्यूज, लेकिन उन्होंने मना कर दिया सिंडिकेट ने कि भाई मीटिंग नहीं होगी। आफ्टर साइलेंटली सपोर्टिंग वीवी गिरी द प्राइम मिनिस्टर ओपनली कॉल्ड फॉर ए कंसाइंस वोट। और लास्टली जो पहले तो साइलेंटली सपोर्ट कर रही थी वीवी गिरी को, अब वो ओपनली आ गई और उन्होंने अपने एमपी और एमएलएज को ये कहा कि भाई वो अपनी मर्जी से वोट दे, ज़रूरी नहीं है कि जैसे कि कांग्रेस ने कहा है कि भाई उनको वोट दिया जाए संजीवा रेड्डी को, नहीं, वो अपनी मर्जी से वोट दे। ठीक है, विच मीन दैट द एमपी एंड एमएलए फ्रॉम द कांग्रेस शुड बी फ्री टू वोट द वे दे वांट। मतलब इसका मतलब ये हो गया कि एमपी और एमएलए अब पूरी तरह से फ्री थे कि भाई वो किसी को भी वोट दे सकते हैं, वीवी गिरी को भी या एन संजीवा रेड्डी को भी। द इलेक्शन अल्टीमेटली रिजल्टेड इन द विक्ट्री ऑफ वीवी गिरी। और इलेक्शन का जो रिजल्ट आया उसमें क्या हुआ कि जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे इंदिरा गांधी ने जिनको वो नॉमिनेट किया था वीवी गिरी, वो चुनाव जीत गए और एन संजीवा रेड्डी जो कि कांग्रेस के ऑफिशियल कैंडिडेट थे वो चुनाव हार गए।
अब उनके हारते ही क्या हुआ कि दोनों में ग्रुप में फैक्शन बढ़ गया और पार्टी स्प्लिट हो गई. द डिफीट ऑफ द ऑफिशियल कांग्रेस कैंडिडेट फॉर्मलाइज द स्प्लिट इन द पार्टी. और कांग्रेस के ऑफिशियल कैंडिडेट की हार के साथ ही कांग्रेस स्प्लिट हो गई. द कांग्रेस प्रेसिडेंट एक्सपेल्ड. कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट थे एन संजीवा रेड्डी, एस निजलिंगप्पा, उन्होंने एक्सपेल्ड द प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम द पार्टी, की इंदिरा गांधी को पार्टी से बाहर कर दिया. शी क्लेम दैट हर ग्रुप वॉज द रियल कांग्रेस. उन्होंने कहा शी क्लेम दैट हर ग्रुप वॉज द रियल कांग्रेस. अब इंदिरा गांधी ने यह कहा कि भाई उसका जो ग्रुप है वही रियल कांग्रेस है. बाई नवंबर 1969 द कांग्रेस ग्रुप लेड बाय द सिंडिकेट केम टू बी रेफर्ड एज द कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन. और नवंबर 1969 तक क्या हुआ कि कांग्रेस जो थी, जो सिंडिकेट के मेंबर्स थे, उन्होंने एक अपनी पार्टी को नया रेफर किया नाम कांग्रेस ओ, कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन. एंड द ग्रुप लेड बाय, और इंदिरा गांधी जिसे लीड कर रही थी वो किस नाम से जाना गया, कांग्रेस रिक्वेस्टनिस्ट. दीज टू पार्टीज वर ऑल्सो डिस्क्राइब एज ओल्ड कांग्रेस एंड न्यू. अब इनको ओल्ड कांग्रेस और न्यू कांग्रेस का नाम दिया गया. ओल्ड कांग्रेस जिसमें कि सिंडिकेट के मेंबर्स थे और न्यू कांग्रेस जिसमें कि इंदिरा गांधी थी. इंदिरा गांधी प्रोजेक्टेड द स्प्लिट ऑफ एज एन आइडियोलॉजिकल डिवाइड बिटवीन सोशलिस्ट एंड कंजर्वेटिव, बिटवीन द प्रो पुअर एंड द प्रो रिच. इंदिरा गांधी ने कहा कि भाई कांग्रेस जो स्प्लिट हुई है ये आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस के ऊपर, कि सोशलिस्ट और कंजर्वेटिव्स के बीच में और गरीबों के और अमीरों के बीच में, इस वजह से पार्टी स्प्लिट हुई है. तो ये इस तरह से पार्टी कांग्रेस की स्प्लिट हुई थी कि जो दो हिस्सों में बट गई थी, कांग्रेस आर और कांग्रेस ओ. ठीक है, अब इसमें ऊपर की तरफ आइएगा, ये देखो ये दिखा रखा है, पिक्चर दिखाई हुई है, इमेज. इसमें क्या शो कर रहा है कि इसमें देखो कि ये प्रेजिडेंट इलेक्शंस के रिगार्डिंग दिखाया हुआ है. ठीक है, अब एक जो खड़े हुए हैं जिनके गले में माला है, कि एक वो दिखा रखा है बॉक्सिंग का मैच जिसमें कि एक ज़मीन पे लेटे हुए हैं और दूसरे विनर हैं. जो अब जो विनर में है ये वीवी गिरी है जो चुनाव जीत गए, और इनके साथ जो लेडी खड़ी है ये इंदिरा गांधी है, और जो लेटे हुए हैं कांग्रेस के जो नॉमिनेट कैंडिडेट थे एन संजीवा रेड्डी वो, और इनके साथ जो है घुटनों पर बैठे हुए हैं ये कौन है, उस समय के कांग्रेस के प्रेसिडेंट एन निजलिंगप्पा. तो ये उसके रिगार्डिंग दिखाया हुआ है कि भाई इंदिरा गांधी की पावर बढ़ गई है और कांग्रेस जो थी सिंडिकेट उनकी पावर कम हो गई है. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू.